सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15। और क्या आप लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग जो है अपने बाइक को नॉर्मली आप लोग चला रहे होते हो ट्रैफिक में, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाइक आप लोगों की चलते चलते बंद हो जाती है? अब ये जो चीज़ है ये मेरे साथ तो बहुत होती थी पहले, लेकिन अभी नहीं होती। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 रीजन बताने वाला हूँ जिसके वजह से ये वाली प्रॉब्लम जो है वो इस वाले बाइक में आती है, जिसके वजह से बाइक जो होती है वो चलते चलते बंद हो जाती है, और मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहला रीजन होता है जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बाइक में आती है और बाइक जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो रीजन ये होता है कि आप लोगों के बाइक का जो आइडल आरपीएम होता है ना, वो बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा लो होता है। क्योंकि देखो आइडल आरपीएम बेसिकली साल में 2 बार इसको चेंज इसको करवाना पड़ता है, जब मौसम जब ठंडा हो है ना, जैसे विंटर का जैसे मौसम होता है, नहीं तो मौसम अगर गर्म हो है ना, जैसे समर का जैसे मौसम होता है, अगर मौसम अगर गर्म है तो लो आइडल आरपीएम पे बाइक होती है वो चलती है ना, कोई दिक्कत उस पे नहीं आती है। लेकिन ठंडक में क्या होता है ना, ठंडक में बाइक जो होती है वो ज्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से ये मतलब सेटिंग करवानी पड़ती है हर विंटर को, कि आप लोगों को बेसिकली आइडल आरपीएम अपना हल्का सा ऊपर करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो स्टॉल ना हो चलते चलते, और आप लोग एम्बेरस आप लोग ना हो। सो अगर आप लोग ये नहीं चाहते हो कि आप लोगों की बाइक चलते चलते स्टॉल हो जाए, तब आप लोगों को एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा, अपने बाइक को मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा है ना, और उससे आइडियल आरपीएम की उससे ट्यूनिंग जो है वो करवानी पड़ेगी। अगर आप चाहो तो आप खुद भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइक में नीचे की तरफ इंजन में है ना साइड में वहाँ पर एक नॉब एक दिया रहता है, उसको या तो काउंटर क्लॉकवाइज नहीं तो क्लॉकवाइज उसको घुमाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक का जो आइडियल आरपीएम है वो ट्यून होता है। तो अगर आप लोगों की बाइक अगर चलते चलते स्टॉप हो जाती है, तो उसका जो सबसे पहला रीजन हो सकता है वो रीजन यही हो सकता है कि शायद हो सकता है आप लोगों की बाइक का जो आइडियल आरपीएम है वो बहुत ही ज्यादा कम हो ठंडक के हिसाब से, जिसकी वजह से आप लोगों की बजाज V15 जो है वो स्टॉल हो रही है बार बार। सो ये तो पहला रीजन हो गया, अभी हम लोग चलते हैं दूसरे रीजन पे। सो जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो होती है वो चलते चलते स्टॉप हो जाती है, ये रीजन होता है बेसिकली आप लोगों की बाइक के कार्बोरेटर की ट्यूनिंग खराब होना। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोग अपने बाइक को सर्विस पे देते हो या फिर आप लोग किसी मैकेनिक को अगर देते हो है ना सर्विसिंग के लिए, तो कभी कभी आप लोगों का जो मैकेनिक है ना वो माइलेज को बढ़ाने के लिए कार्बोरेटर की ट्यूनिंग को कुछ ज्यादा ही कम कर देता है, जिसके वजह से आप लोगों की बाइक जो होती है उसके इंजन के अंदर उतने अच्छे से पेट्रोल नहीं जाता है। जैसे मान लो अगर इस वाले बाइक में इतना पेट्रोल अगर पर मिनट अगर इस वाले बाइक में अगर जाना चाहिए उतना अगर इस वाले बाइक में अगर नहीं जाएगा, तब ये वाली बाइक जो है वो चलते चलते स्टॉप हो जाएगी। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो मैकेनिक है वो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग को एकदम परफेक्टली करे, नहीं बहुत ज्यादा करे और नहीं बहुत कम करे, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक में एडिक्वेट अमाउंट का पेट्रोल जाना चाहिए, और मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों की बाइक अगर चलते चलते अगर स्टॉप हो रही है, उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बाइक का कार्बोरेटर की जो ट्यूनिंग है ना वो आप लोगों की बाइक की खराब हो गई हो, जिसके वजह से ये वाली प्रॉब्लम जो है ये बाइक में आ रही है। तो अभी ये तो रीजन नंबर 2 हो गया, अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 3 पे। तो जो रीजन नंबर 3 है ना, इसका जो लेना देना है वो है बेसिकली बाइक के बैटरी से। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लोगों की बाइक अगर धीरे अगर चल रही होती है, नहीं तो आप लोगों की बाइक जो खड़ी है लेकिन रनिंग पे है, तो कभी कभी किसी किसी बाइक में क्या होता है कि बाइक को चलता हुआ रहने के लिए बाइक की जो बैटरी होती है वो आप लोगों के बाइक के इंजन को बेसिकली वो सपोर्ट करती है कि वो स्टॉल ना हो बंद ना हो। तो बैटरी और इंजन का जो रिलेशनशिप होता है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके वजह से मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की बाइक अगर धीरे अगर चल रही है तो आप लोगों की बाइक की जो बैटरी होती है वो आप लोगों के बाइक के इंजन को बेसिकली वो सपोर्ट करती है कि वो मतलब चले है ना स्टॉल ना हो बंद ना हो। इस चीज को टेस्ट करने का बेसिकली एक तरीका होता है कि अगर आप लोगों अपने बाइक की वजह से बैटरी अगर निकाल दोगे ना, तो आप लोगों की बाइक जो है वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही जल्दी स्टॉल होगी, और आप लोगों की बाइक जो है वो किक से उसमें मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्ट होने में। तो अगर आप लोगों की बाइक अगर चलते चलते अगर बंद हो जा रही है स्टॉल हो जा रही है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो या तो खराब हो गई हो, नहीं तो उस वाली बैटरी में कुछ चार्ज बचा ना हो, जिसकी वजह से वो आप लोगों की बाइक के इंजन को वो सपोर्ट नहीं कर पा रही हो। सो अभी ये तो रीजन हो गया, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका
सोल्यूशन सिंपली एक है, अगर आप लोगों की बाइक की बैटरी अगर डिस्चार्ज अगर हो गई है, तब आप लोग अपने बाइक की बैटरी को चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज करवा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की बैटरी अगर खराब हो गई है, तब आप लोगों का एक ही सोल्यूशन बनता है भाई, है कि अपने बैटरी को बेसिकली रिप्लेस करवा दो। सो ये तो रीजन नंबर 3 हो गया, अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 4 पे। तो जो रीजन नंबर 4 है ना, इसका जो लेना देना होता है वो होता है बेसिकली स्पार्क प्लग से। अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो बाइक में एक चीज होती है स्पार्क प्लग, जिसका काम ये होता है कि वो आप लोगों की बाइक को चलने में बेसिकली मदद करती है। मतलब अगर आप लोगों की बाइक में अगर स्पार्क प्लग नहीं होगा तो स्पार्क जनरेट नहीं होगा, और अगर स्पार्क अगर जनरेट नहीं होगा तो आप लोगों की बाइक चलेगी नहीं। और ये वाला स्पार्क प्लग जब कभी बहुत पुराना हो जाता है, या फिर उसमें कार्बन उसमें बहुत ज्यादा उसमें जम जाता है, जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों की बाइक में आती है। मतलब आप लोगों की बाइक का जो स्पार्क प्लग है वो एफिशिएंटली वो स्पार्क को जनरेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो चलते चलते स्टॉप हो जा रही है ना। इसके बेसिकली इसके 2-3 इसके रीजन होते हैं, या तो स्पार्क प्लग खराब हो जाता है, नहीं तो स्पार्क प्लग में ना बेसिकली ऐसे करके हुक एक होता है, वो जो हुक का जो डिस्टेंस होता है उस हुक के डिस्टेंस में स्पार्क जो होता है वो जनरेट होता है। अगर वो हुक अगर बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है ना एक दूसरे के, तब उसमें जो है वो स्पार्क जनरेट होने की उतना ज्यादा रूम अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट नहीं होता है। ये होता है बेसिकली पुराने स्पार्क प्लग में, अगर बाइक का स्पार्क प्लग अगर बहुत अगर पुराना है तब बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आती है। और जो दूसरा इसमें प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि बाइक का जो स्पार्क प्लग होता है ना, वो पुराने होने की वजह से उसके ऊपर कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा जम चुका होता है। और अगर आप लोगों की बाइक के अगर स्पार्क प्लग में अगर कार्बन अगर जम गया है, तो उसका नतीजा क्या होता है ना कि स्पार्क जनरेट होने में वो ऑब्वियसली तब उसको मुश्किल तब होती है। और जब आप लोगों की बाइक में जब स्पार्क जब जनरेट नहीं होता है, तब वो मतलब रिपीटेडली वो बंद होने लगती है। बजाज B15 में स्पेशली क्या है ना, इसमें 2 इसमें स्पार्क प्लग होते हैं, तो इस वाले बाइक को चलने में जो दोनों स्पार्क प्लग है वो दोनों स्पार्क प्लग मदद करते हैं। इस वाले बाइक में अगर बाइक अगर स्टॉल अगर हो रही है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि दोनों में से कोई एक स्पार्क प्लग जो है वो खराब हो गया हो, जिसकी वजह से बाइक को उतना एफिशिएंट स्पार्क उसको नहीं मिल पा रहा हो। तो एक ये रीजन होता है, जिस रीजन की वजह से बाइक जो होती है वो जल्दी जल्दी वो स्टॉल होने लगती है। सब ये तो रीजन हो गया, इसके सोल्यूशन का क्या? सिंपली यार, अगर कोई चीज अगर खराब होती है तो उसका सोल्यूशन उसका एक ही होता है ना, उसको रिप्लेस करा दो, क्योंकि स्पार्क प्लग में ठीक होने की कोई भी रूम नहीं होता है, तो ये बेसिकली ये रिप्लेस ही होता है, तो इसको रिप्लेस करा दो, ज्यादा महंगा नहीं आता है, सस्ता ही आता है। लेकिन अपने स्पार्क प्लग को एक बार चेक करवा लो कि उसका जो हुक है ना, उसके बीच में जो गैप्स है ना, वो गैप्स मतलब वो एडिक्वेट अमाउंट के हो, बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा कम भी ना हो। सो ये तो चौथा रीजन हो गया, अभी हम लोग चलते हैं 5वें रीजन पे, जिसके वजह से बाइक जो होती है वो चलते चलते रुक जाती है। तो जो 5वां रीजन है, वो रीजन बेसिकली ये है कि अगर आप लोगों को नहीं पता है ना, तो बाइक को चलने के लिए बेसिकली ऑक्सीजन की जो है वो जरूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बेसिक साइंस है कि बिना प्योर ऑक्सीजन के स्पार्क जो है वो जनरेट नहीं होगा, और जब स्पार्क जब जनरेट नहीं होगा तब आप लोगों की बाइक जो है वो चलेगी नहीं। सो इसका जो आखिरी रीजन है, जिस रीजन की वजह से बाइक में ये वाली प्रॉब्लम आती है कि बाइक आप लोगों की चलते चलते बंद हो जाती है, वो प्रॉब्लम आती है बेसिकली आप लोगों की बाइक के एयर फिल्टर से। मान लो अगर आप लोगों की बाइक का अगर एयर फिल्टर अगर बहुत ज्यादा अगर गंदा हो चुका है, या फिर वो एयर फिल्टर अगर आप लोगों की बाइक में अगर प्योर अगर हवा अगर नहीं भेज पा रहा है ना, सो ये एक रीजन होता है कि जिस रीजन की वजह से आप लोगों की बाइक जो होती है वो स्टॉल होती है। अब या तो आप लोगों की बाइक का जो एयर फिल्टर है वो खराब हो गया है, या तो उसमें कोई छेद वेद हो गया है, नहीं तो आप लोगों की बाइक का जो एयर फिल्टर है वो इतना ज्यादा वो गंदा हो गया है कि वो आप लोगों की बाइक के अंदर वो एयर को फिल्टर करके भेज ही नहीं पा रहा है। मतलब उसके ऊपर मिट्टी विट्टी उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही जम गई है। तो अगर आप लोगों की बाइक अगर चलते चलते अगर रुक जा रही है, तो इसका रीजन कहते हैं ये भी हो सकता है कि आप लोगों की बाइक का जो एयर फिल्टर है वो खराब हो गया हो, क्योंकि एयर इज जस्ट लाइक अ सेकंड फ्यूल फॉर द बाइक। जिस रीजन की वजह से मतलब बाइक जो है वो चलेगी ही नहीं अगर आप लोगों की बाइक में प्योर अगर ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगी। तो चलो गाइस, ये थे 5 रीजन। ऐसा नहीं है कि इसके और रीजन इसके नहीं होते, इसके बहुत सारे इसके रीजन होते हैं, लेकिन अब सारे रीजन अरे जाओ निकालो ना यार, लेकिन अब उसके अब सारे रीजन को एक वीडियो में बता पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे, और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एक खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतने। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कॉमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का अगर मन कर रहा हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाकर लिख देना। तो चलो अभी मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे, और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एक खत्म। तो चलो गाइस, सी यू सून, सी यू टुमारो, हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।